इसमें जो शख्स दिख रहा है उसका नाम अमित आनंद है, कबूलनामा है, कबूलनामा है, कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। और ये तमाम चीज होने के बावजूद गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई, पत्र संख्या 440 कहां है वो पत्र भैया, हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है, ये पत्र आ कहां से रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंग पिन है, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। किस तरह की जुबान विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, जो खुद ही कबूल चुके हैं कि गेस्ट हाउस में उनके पीएस प्रदीप श्रीवास्तव रूम बुक कराते हैं। जिस व्यक्ति यादवेंदु का जिक्र होता है उसके बारे में सुन लीजिए कुछ तथ्यात्मक चीजें। 2020-21 में 28 जून को जल संसाधन विभाग संजय झा मंत्री जी से तारकिशोर प्रसाद नगर विकास में इनका पदस्थापन होता है, वहां सेवा देते हैं, और 30 जून 22 को उनको दानापुर और पटना पश्चिम का प्रभार सौंपा गया। मंत्री कौन थे? तारकिशोर प्रसाद जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरी कहानी जो चलाई गई जिसमें एक सरकारी मुलाजिम को बदनाम करने की साजिश की गई, क्यों? कि बड़े चेहरों को बचाना है, जो नीच में अपराधी हैं, जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा है उनको बचाना है। धर्मेंद्र, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आप सब समझदार लोग हैं, अगर इतना बड़ा घपला हुआ जो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ही क्यों, मैंने प्रधानमंत्री जी की जुबान से एक शब्द नहीं सुना, एग्जाम वॉरियर किताब लिखते हैं, एक्चुअली उनकी पूरी सरकार स्कैम की सरकार है, वो लीकेज वॉरियर है। 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको एक गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मत उलझाइए, क्योंकि 25 लाख बच्चों की आह लगेगी सबको, 25 लाख युवाओं के सपनों की आह सबको लगेगी, वो सिर्फ शिक्षा मंत्री को आह नहीं लगेगी, वो तमाम लोग जो इस गुनाह में शरीक हैं, पर्दादारी कर रहे हैं। एनटीए से ईओयू अपनी बिहार वाली कुछ सवाल पूछ रही है, एनटीए किस दबाव में उनका जवाब नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपनी भूमिका का निर्वहन करिए और 25 लाख बच्चों के भविष्य को गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि फलाने मंत्री ने क्या कहा, चिलाने मंत्री ने क्या कहा, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं यहाँ बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हर कोई अपने अपने एजेंडे पर अपने आकाओं को बचाने में लगा हुआ है। विजय सिन्हा जी ने कहा कि उनके कोई पीएस हैं प्रदीप श्रीवास्तव, वो रूम बुकिंग करते हैं, आप सब जानते हैं। मीडिया के कई साथी मंत्रियों को कहते हैं कि एक दिन के लिए रूम बुक करवा दो, और ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस हैं, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है, और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए सर, ये तो लगातार हमारी मांग है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सिर्फ 25 लाख युवा नहीं है, उनका परिवार है, और आने वाले वर्षों के जो 25 लाख है उनका भरोसा प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान के इस सिस्टम से उठ गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एनटीए खत्म होना चाहिए, एनटीए नेशनल टॉर्चर एजेंसी है। सर, ये सवाल है कि जो यादवेंद्र हैं उनका नाम अब लालू यादव से भी जोड़ा गया, विजय सिन्हा ने कहा कि जब लालू यादव रांची में थे जेल में तब कई बार मिला करते थे। नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के भाई हैं, कोई जवाब है इस प्रश्न का? मैं बोल रहा हूँ नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के भाई हैं, इसलिए उनको बचा रहे हैं। मतलब एक आधार होना चाहिए, और आप लोगों से आग्रह है, विश्लेषण खुद करिए, थोड़ा देखिए कि अचानक नीच के इस पूरी धोखाधड़ी को एक गेस्ट हाउस की आधारहीन कहानी में क्यों तब्दील किया जा रहा है।
एनटीए के करप्ट लोगों को बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है और तमाम उन लोगों को बचाया जा रहा है जो एक जिले से आकर के पूरे देश की परीक्षा को स्कैम